को स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना। बीच सेक बा समुद्र कुलिया मद दुकान को तीव्र विरोध करा जायछि। गोपालपुर, पाती सोनपुर, पारादीप, बालेश्वर, चांदपुर, पुरी, कोणार्क मराइन ड्राइव ठारे खोलिबा को थिबा बीच सेक संपूर्ण भावरे बंद करबा पई तेजुछि आंदोलन। एने जातीय विकास परिषद पक्षरु गण रैली करा जायछि, ता सहित मानव संबल पदयात्रा मध्य करा जायछि। एथि सहित दक्षिणांचल राजस्व कमिशन को जरिया रे मुख्यमंत्री को दाबी पत्र प्रदान करा जायछि। बाबद्रे अधिक आलोचना करबा पीतांबर नाहक ब्रह्मपुर जोड़ी होती आम प्रतिनिधि। पीतांबर, जो भाव में आप देखते जे गण राली सजबाज चली आंदोलन करा एवं बीच सेक मद दुकान खोल को विरोध करा जाई, कौन कौन प्रतिक्रिया साधारण सामना को आसे? स्मृति लग्ना, किसी दिन तले आप शुणी जे पुरी में जितेबले बीच सेक रो सरकार घोषणा करते जमीक मद कुड़िया हबार व्यवस्था करवर्त समय तीव्र विरोध हबार सेठारे सरकार से निष्पत्ति को प्रतिहार करते। ठीक से भाई गोपालपुर बेलाभूमि आरंभ करी पाती सुनपुर कथा कहवा, अंपटे बालेश्वर कथा कह, जगत सिंहपुर कथा कह, सब बेलाभूमि निश्चित भाव बीच सेक रेक हो गए सरकार निष्पत्ति एवं ताकु नहीं कि विशेष विभिन्न संगठन राज्यर विभिन्न संगठन तमाम जिलार मध्य आसिकी जो भाव में धारणा दौंट किसी समय पूर्व शह शह जनसाधारण यहाँ समर्थन करते भारतीय विकास परिषद अंपटे बेलाभूमि मदमुक्ति अभियान मिलित उद्यम भाव में गोटे प्रयास चली। सीधा साल आम आलोचना करवा आज्ञा कौन कह बेलाभूमि एथर मद कुड़िया हे सरकार गोटे निष्पत्ति आपण मैंने कहीं विरोध कर देखु ओडिशार मद्यप नवीन सरकार ओडिशावासी को मद्यप बनईदे तेणु वर्तमान केवल बाकी रहा ओडिशार माँ मौसी भौणी मान इज्जत यही कि जौन लालसा मद्यप भ्रष्टाचार अफिसर कथार पड़ी कोड़े टी बीच रे जो बीच सेक बा मद्य दुकान खोलिया को जाउचंती अंतर्निहित उद्देश्य अच्छी महिला मान मौसी मान इज्जत लुंठन करवा आम केवेले कस्मिन काले यही इज्जत लुंठन करने जौन पपा सब दुर्नीतिगत अफिसर मान को चांस एवं मंत्री मान को चांस देवुना। निश्चित भाव मैडम जितेबले जानते बेलाभूमि वर्तमान जमीक बेलाभूमि लोकालीटी जितेक भी मद दुकान रही सेठी विशृंखला सृष्टि होती बेलाभूमि में मद दुकान गढ़ी उठ मद बिक्री हम खोलम खोला मद पीबे केमती देखुं आम देखु महिला मैंने एकदम असुरक्षित एवं आम सहर में मदर किसी अभाव ना ताद आम जो टे अशांत मान निज मन अशांत हेले शांति पाइबापी गोटे बेलाभूमि जा बसु आम परिवार सह बसु ताकु उपभोग करूँ से कथा हम ना एवं बेलाभूमि संपूर्ण विपदयुक्त हो केवल जो गोआ भाई करने सरकार योजना करवल कौन बेलाभूमि की उन्नति करवा ना मद कुड़िया करवा मद कुड़िया जदि सेठी हम केवल मद कुड़िया भितर सीमित रही मद पर्यटक मैंने अंचल देश में जे मद ना मद खाइबापी ओडिशा आसवे से कथा नुहे। निश्चित भाव आप वयोज्येष्ठ यही मानने सरकार पदक्षेप एमती कहीं गोटे पदक्षेप ने बेलाभूमि को कौन देखिकी सरकार एमती पदक्षेप ने आपण मैंने कहीं विरोध कर प्रकृत जो पदक्षेप बड़ भूल पदक्षेप जो भी पर्यटक नहांती सेठी की पर्यटक आकृष्ट करने मद दुकान खोलिए तो लक्ष लक्ष पर्यटक आसे पर्यटक आसमें कंट्रोल कर अनकंट्रोलेबल पर्यटक आस ट्राफिक जाम हो घंटा घंटा टाउन भितर जाम हो मद तो विशृंखला सृष्टि करा जिनस जदि पेट में पड़ा निश्चय विशृंखला सृष्टि कर माँ भूणी से देखिपर पूरा माँ भूणी इज्जत लुट हे से आरापद रही पारे गोपालपुर कौन पदक्षेप रही मु सरकार को प्रश्न करने को चाहे कौन आगामी दिन में मद को नहीं ओडिशा तार परिचय सृष्टि कर कि तेणु आमर अनुरोध जे मद को सार संपूर्ण रु हटा आम दाबी दाबी कर हाँ दाबी रत दिन बंद न हो दिन दाबी रही निश्चित भाव आम शुणुले विभिन्न संगठन मुख्य मैंने आज सामिल होती जे मद मुक्त बेलाभूमि करने गोटे लक्ष्य रखिंटे ओडिशा तमाम जमीक जी बेलाभूमि अच्छी
सरकार कहीं पदक्षेप नौकरी प्रश्नवाची सृष्टि होता बेले अंपटे निष्पत्ति तुरंत प्रतिहार करने दाबी रखिंट स्मृति लग्ना बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर सविशेष सूचना पीतांबर नाहक आम प्रतिनिधि आमको अधिक सूचना दौले कि भाव में लोक मैंने विक्षोभ प्रदर्शन करुछंती विरोध प्रदर्शन करुछंती बेलाभूमि मद को ना बोली कहते सरकार एथप्रति दृष्टि देवार आवश्यकता रही परवर्त खबर को आसवा बालेश्वर सोर जेल रु वीडियो होउछि वायरल पूर्व जेल भितर जड़े कैदी माड़ जो मृत्यु होता अभियोग आबे घटन साक्षी देखा व्यक्ति को माड़ मरा केवल से नुह जेल भितर माड़ मरवा सहित टंका मगा जाउथबा अभिजोग मध्य होईछि सोर उपकारागारु विचाराधीन कैदी तथा कैदी मृत्यु मामलार साक्षी देथिबा कमलाकांत दास कर एक वीडियो हेउछि वायरल जोंथरे तांको माडो मरा जाइछि तांको गोडरे आघात लागितिबा से वीडियो रे मध्य देखाइछन्ति वायरल वीडियो रे से कहउछन्ति जे गत किछि दिन तळे जने विचाराधीन कैदी मृत्यु रे साक्षी देथिबारु तांको एभली भाबरे व्यवहार प्रदर्शन करा जाउछि कारागार रे माडो मरा जिबा सहित अन्य कारागार को बदले करबाकु मध्य जेलर प्रियंपदा पंडा धमक देउथबा से अभिजोग आनिछन्ति ତା ଗୁଡ଼ ହାତକୁ ପିଟା ହେଇଛି ସିଏ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମୋତେ ଯେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ନଦେଲେ ଆଗ ପିଲା ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଭଦ୍ରକ ପିଲାକୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ତତେ ମାରିଦେବି ଏଭଳିଆ ସେ ଭାଇରାଲରେ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଆସିଛି ଦେଖିତେ ମୋତେ ଦେଖା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ବି ଖାଇତେ ପିତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି କେହି ବେଳେ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରୁନି ବି ଫୋନ୍ କରତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କି ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଦେଖା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବି ମୋ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଫଟେଇ ପକାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ମାଗୁଛି ଆପଣ ପୁଅ ପଇସା ସେ ଜେଲର ମାଗୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମୋ ଛୁଆ ବାହାରକି ନ ଯିବା ତ କିଛି ହେଲା ସେ ପାଇଁ ଏଇ ଜେଲର ଦାୟୀ ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई आम सहित आम रिपोर्टर जोड़ी होती संजय महालिक पाखु सीधासल जावाई चाहिए संजय कौन अभियोग सामना को आसुची काहीकि कैदी जनक एभली माड़ मरा जाइछि जेहेतु से पूर्व घटना रे साक्षी देइछन्ति ये तांकर दोष एवं परवर्ती अभियोग ए मध्य आसुची जे तांको ठु टंका मागुछन्ति जेल सत्यासत्य को किमिति देखन्ति आपण आ देखन्तु स्मृति लग्न गत 23/6/2021 मसीह रे ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋର ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯିଏ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ନାଇକାଣୀ ଡେହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ କମଳାକାନ୍ତ ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବା ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଯିଏ ସବ୍ଜେଲ ସୋର ସବ୍ଜେଲର ଯିଏ ଅଧିକାରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜେଲର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଶିଥିଳ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୋର ଜେଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ବା ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯିଏ ଅଧିକାରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜେଲର ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି ଯେହେତୁ ଜେଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା କି ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଜେଲର ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଯେଉଁ ପରିସର ଭିତରକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି କି ଆସିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିସର ଜେଲ୍ ପରିସର ଭିତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ
स्वयं जे रही ब्रियमपदा पड्डा जी रही जेल अधिकारी नाँ अभोग आेलर मैडम टंका दाबी करुँचे अभियोग से जे विचाराधीन कैदी रही दर्शाऊँच ये घटना नुआ नुहत ये घटना पूर्व बारंबार यही घटना देखा जाता पूर्व जो कैदी खाद्य को नहीं अभोग आसला जो निम्नमान खाद्य दि जाऊँच पुणी बर्तमान ये जो भाई भाव में बारंबार भिडियो भाइराल होश्चित भाव में उपरीस्थ अधिकारी जे सुपरिटेडेन्ट अच्छा या उपर निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण करार आवश्यकता रही है जो विचाराधीन कैदी तरह जो मृत्यु घटी जो नायकानीडी थाना अंतर्गत जी कमलाकांत बारिक रही है मृत्यु घटे और से मृत्यु सस्पेन्स एवं जारी रही परिवार धारणा बसी जेल आगे ए बाबद थाना गोटे मामला रुजु होता कि बर्तमान पर्यटन कौन सीता न्याय पाईना परवर्त समय पुणी एवं जो गोटे भिडियो भाइराल है निश्चित भाव में ये तदंत सापेक्ष जी अधिकारी रही प्रियमदा पड्डा या तदंत परिसरभुक्त कर आवश्यक अच्छी यही जो घटना को नहीं उपरीस्थ अधिकारी जे जेल सुपरिटेडेन्ट रही निश्चित भाव में यह अधिक तदंत कर न्याय देवा सहित जो जेलर अधिकारी जहाँ अभियोग आरोप दृढ़ कार्यानुष्ठान कर आवश्यकता रही स्मृति लग्न बहुत बहुत धन्यवाद संजय महालिक आम रिपोर्टर अधिक सूचना दौले संजय कहवा कथा जी युवक अच्छा जहां को माड़ मरा जा विचाराधीन कैदी तर पर लोक अभोग आदि आसंता कालीर कि हुए तेज एथपाई जेलर दायी रे स्पष्ट भाव एक परवर्त खबर को आसवा व्यापक प्रदूषण में नष्ट चाषवास एभली एक प्रसंगे आज अनुगुल जिला बोनापाल ब्लक्र सान केराजंग बड़ केराजंग पंचायतवासी 33 गाँवर प्रतिनिधि गणधारणा देखते निशा शिल्पांचल सीधाबणी छक गणधारणा देखते तेरे विशेष भाव में जेएसपीएल द्वारा प्रदूषण जनित क्षयति सीएसआर तरफ उन्नयनमूलक कार्य करने विस्थापित जमीहरा मान चाकरी आदि दावी हो बाबद्रे अधिक सूचना पाई सीधासलख तपन दास आम प्रतिनिधि जोड़ी होती तपन जो जनप्रतिनिधि माने धारणा देखते कौन कौन दाबी मुख्यतः उपस्थापन कर निश्चित प्रकार देखो स्मृति लग्ना जो दाबी रही निर्दिष्ट भाव पांचटी दाबी उपस्थापन कर क्षतिग्रस्त प्रजा मान पक्षर जो मैंने कि व्यापक क्षति सही दीर्घ दिन ये क्षति सही विशेष भाव अनुगुल जिला बोरपाल ब्लक्र दुईट मुख्य प्रमुख ग्राम जो पंचायत रही सानकेरजांग बड़केरजांग सहित बालकृष्ण पट्टनायक कृषक परिवार पक्षर ये धारणा दि जाएगी मुख्यतः एम समस्ते हूँ जेएसपीएल क्षतिग्रस्त प्रजा दीर्घ दिन एमने जमी हर सेमानकर स्थायी निजुक्ति ठिकना ना स्थायी निजुक्ति दि जाए ना प्रमुख जो समस्या रही कृषि उपर आधार कर दि जाए कृषि को जेहेतु आधार कर विशेष भाव से कृषि करना व्यापक प्रदूषण आउ थे प्रतिक्रिया ना से कहवा कथा सरकारी स्तर में विभिन्न समय से आलोचना कर प्रदूषण विभाग कंपनी पक्षर प्रदूषण कर प्रशासन को जनई कौन निस्तार मिलना कौन निर्दिष्ट आप दाबी रही कहीं गणधारणा आज्ञा आम जो गणधारणा है गत सात मस सरी नौ मस दे आम चलीचु आंदोलन आंदोलन एवं रूपरेख ना गत नौ मस धरिकी आम प्रचेषा चलीचु पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हर्टिकल्चर ऑफिस दीजन जाक डिपार्टमेंट सरकार डिपार्टमेंट लिखिकी तर रिपोर्ट देखते कि पल्यूशन हो पल्यूशन हवा द्वारा यह प्रभाव में चाषी पूरा क्षतिग्रस्त हो गला 100% चाषी नष्ट लोक मान स्वास्थ्य उपर हेम्पर है तापर लोक मानर अन्न्य प्राकृतिक जो सौंदर्य था सी नष्ट आउ रोग बहुत बढ़ी गला लोक मितर आउ ये जिनसटा आम उपस्थापन करूँ प्रशासन पाखे एवं प्रशासन भी नीरव अच्छे यार मान हूँ प्रशासन नीरव रही सपोर्ट कर जिंदल को कहीं आपण मैंने जो प्रशासन को जनइले जितेबाद सरकार कथा कहु गोटे स्वच्छतार कथा कहूँ आप कहीं न्याय पाइले ना कहीं गणधारणा देवा पड़ा एभली एक परिस्थिति आसला आसंता काल ठार आवश्यक पड़े आमर अनशन बस कहीं आम दाबी पूरण होनी आम जो दाबी अच्छी जोटा कि जस्टिफाइड दाबी जस्टिस से जिनसा जब न मिल आम कड़े जीव प्रशासन भी आम कथ बुझलानी जे भूल कर उल्टा सपोर्ट करवर करें कड़े जीव आम प्रशासन उल्टा कहे गो एंड सुट केस इज इट सल्यूसन यहाँ सल्यूसन प्रशासन निजे कह केस करूँ जिला प्रशासन कहे केस करूँ जिंदल नाँ
जबकि जिला प्रशासन हाईकोर्ट से माने कहुथले जे विस्थापितक पई काहे की किछि चिंता करा जाय नाही दीर्घ 9 मास होई जबो से माने निजर असंतोष जाहिर करूछंती किंतु वर्तमान सुद्धा एते दृष्टि आकर्षण करबा परे मध्य जेहेतु समान को कथा चिंता करा जाय नाही तेनो बाध्य होई से माने गण धारणा देउछंती। बहुत बहुत धन्यवाद तपन सविशेष सूचना पई। तपन जेबोल भाव रे कहुथले जे ग्रामवासी जो माने रहिछंती पंचायत बसी जो माने रहिछंती से माने गण धारणा देउछंती एवं लगातार भाव रे जिला प्रशासन को चेतेबा पई चेष्टा करूछंती। समय छोट ब्रेक रो ब्रेक पर फेरबा आम शहर को। ब्रेक पर स्वागत आपण देखुछंती आम शहर। गजपति जिल्लारे खटियारे गर्भवती बुहा हेबा घटना जिलापालक कार्यालय घेरिले ग्रामवासी। जिला प्रशासन घटना को गुरुतर सह नेबा पई दाबी करिछंती गांर लोक। तेबे गजपति जिल्ला रायगडा ब्लॉक अंतर्गत कार्जी साहिरो आसिला एमिति एक दृश्य। ए दृश्य हेउछि हृदय विदारक। अधिकारी माने दृष्टि आकर्षण करि नथिबारु आज जिलापालक कार्यालय को घेरिछंती ग्रामवासी। गांव को रास्ता टिए नाही जोति पई लोक माने बाध्य होई रोगी को खटियारे बही आणुछंती। ए बाबद रे अधिक आलोचना करबा जितेंद्र अमर प्रतिनिधि जितेंद्र बारिक सीधा सळक ग्राउंड रे अछंती। जितेंद्र आउ केते वर्ष पर्यंत राज्य रे चित्र देखिबा को मिलिबो स्वास्थ्य सेवा रे नग्न चित्र देखिबा को मिलिबो मौलिक सुविधा लोकक पाखरे पहुंची नथिबो गां को रास्ता टिए नथिबो पूरा घटना कोन रहिछ। देखंतु स्मृति लग्ना दुई दिन तले गोटे वीडियो वायरल होता जहाँ सोशल मीडिया मतलब बहुत वायरल होता जो भी गाँव रिच्छ पुरुष मैंने चारिज मिसी गोटे गर्भवती माँ को खटियारे बही नौ आपको सीधा सड़क प्रथम चित्र देखापी चाहिए। लाइल पंचायत ग्रामवासी मैंने आसती जिलापाल फाटक सीधा जो गेट अच्छे मुख्य फाटक अच्छे से फाटक सान बस दाबी रही आज जिलापाल सहित देखा करें से प्रतिश्रुति पाइबापर हिंसे ओर आम एने आलोचना करवा कौन कह आप गाँव को केबुडू रास्ता ने केमिति कोन जीवासे करते 4-5 वर्ष रो रास्ता ने हमरो आज से रिपोर्ट देले हम जीवु नले नै। केमिति नउ चंती मेडिकल के नउ चंती बोई कि बोई बोई नउ चंती से कटियार बोई बोई नउ चंती आ साली साली आसुचू गाड़ी जदिन मेडल 4-4 जाउचू साली साली आसुचू से छोटो सुआ कि काकाई कि से साली साली जाय कि से गाथी थोड़ जाय पर्यंत जाय कि गाड़ी गोडाले चढ़ुचू निश्चित भाव जो भाई भाव में कहते आप शुणुते साधारण लोकों गोटे समस्त गोटे प्रश्न अच्छी जो राज्य सरकार अच्छा दीर्घ 25 वर्ष धरिकी शासन गादी में बसापर गजपति जिला उपात अंचल एमती कि गाँ रही जाए जो विकास चित्र देखी ना कौन कहे आप बहुत बार अभोग तथापि आप गाँव को घंटे रास्ता मैं कौन कह गए गोटे एमती 2 वर्ष ते आम आसीलु सेम अभोग करने रास्ता बोल के किंतु से माने दबु बुल के हाँ हाँ करदे पुणे आउ थे जमती सेमती रहीगले पुणे पुनर्बार आम से रास्ता पर मान मरामती नुहे पूरा PMGS रास्ता नेबापाई बोली आम बसीचु आदि से जिन से रोड को आम जदि से माने हाँ कहले ही आम एट उठबू ना ही कि कहले आम एट उठबू नहीं महिला महिला मैंने जिते गर्भवती महिला मैंने हूँ ज्वर मुंड बता हौ किए भी साप कि कौन कि जो भी असुविधा स्तर में जिते बड़े आउंटे से माने को हमें कटियारे धरिकी मेडिकल को नहु छु एम्बुलेंस गांव मध्ये पहुंच छु तो अपन आलोचना करू छंती से हाथ रे किछि फोटो मध्ये धरि छंती गां रास्ता रो किछि फोटो रो चित्र मध्ये तांका हाथ रे अछि हमें देखि परबा कि देखंतु स्मृति लग्ना से ही रास्ता जो रास्ता देकि जो मैंने प्रत्येक दिन गाँव महिला एवं पुरुष मैंने मेडिकल कथा कह जाऊ कि अधिक पाठ पढ़ापी रास्ता देकि जो फोटो आप स्क्रीन मध्यम दर्शक मध्यम देखिपे जो भाई विकास होती गजपति जिलार रायगड़ा ब्लक कारण यही फोटो ही स्पष्ट बयान कर गाँव रेते चित्र के विकास पहुँची और ग्रामवासी मैंने के सुस्थ आप प्लाकार्ड मत देखिए से मैंने निजे हाथ में लिखी आनी आमर दाबी जदि पूर्ण न हुए ओरबे ना कि हटे ना एपरिक विभिन्न दाबी आप देखिपे से निज खर्च निज टे निज हाथ लेखार गोटे गोटे साधा कागज लेखि आनी दाबी पाई एने बारंबार से अभोग करते कौन कहे आप थर सरपंच थ्रू में जिलापाल लिखिं या पूर्व जो जिलापाल थे अनुपम साहु आप लिखित भाव देते कौन हो पानी भावुंत देखो 2018 मसीह आसलु तापर 2019 मसीह आई खास रोड विषय को लेकिन एबे तो आउ अनुपम सर सार भी नहांती एबे आउ नुआ सार आछंती किंतु आम गाँ जो रायगढ़ ब्लॉक लाइला ग्राम पंचायत सानलोबा गाँटा हो मेन रास्ता ठार 4 किलोमीटर भितर को रही से 4 किलोमीटर भितर को जो रास्ता रही गंडे रास्ता सीसी रोड है कि वर्षा आसा पूरा धोईकी नहीं जाऊँगी से जो
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଗାଁ ଲୋକେ, କି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋହି ବୋହି ଆଣୁଛୁ, କି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗାଁକୁ କେବେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ସ୍ଥିତି କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାର୍ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗାଁଟା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କୋଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା 2018ରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, 2021 ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ଭୋଟ ନେବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମାଳମାଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ବିକାଶକୁ ସେ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି, ତାହା ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋବଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋଚର ଭୂମି ଲୋପ ପାଇବ। ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥଳ ପୁରୀକୁ ଦିଶାହୀନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଯଦି ପୁରୀରେ କୌଣସି ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଭୂମିରେ ତୀର୍ଥ ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇବାର ଏହା ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହେ, ତାହେଲେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ସିଧାସଳଖ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, କାହିଁକି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ସବୁ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଟିମ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କଲେ ତାହା ସୁହାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗିରଳ ଛକର ଶିବ ସୌରବଲ୍ଲୀ ମୌଜାରେ ପାଖାପାଖି 1500 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଗଲା, ଯାହାକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ବିଜେଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କାରଣ ଯଦି ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଏବଂ କହିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତେବେ ଗୋବଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଭୂମି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କଦାପି ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇଛନ୍ତି ବିକାଶର ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ବିକାଶର ରୂପ ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତ, ସମର ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ ଯିଏ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ନମସ୍କାର।